ओके गाइस, तो आज के रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं। मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो हमें नाइफ़ चाहिए फ्रूट्स को काटने के लिए, और हमें ये जूसर चाहिए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ये मंगा सकते हैं अमेज़ॉन से। आइसक्रीम बनाने के लिए जो हमें मोल्ड चाहिए, ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है। वो एक टाइम पर 8 आइसक्रीम बना सकता है, और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको 8 बनाना है, 1 बनाना है, इसमें कोई भी क्वान्टिटी में बन सकता है। और आज जो हम 5 अलग अलग टाइप की आइसक्रीम बनाएंगे बेबीज़ के लिए, उसके लिए हमने फ्रूट्स जो लिए हैं उसमें सबसे पहले हमने लिया है ऑरेंज, जो ऑरेंज जूस हम निकाल के बनाएंगे। उसके बाद हमने लिया है अनार, अनार का आइसक्रीम बनाएंगे। उसके बाद हमने मैंगो लिया है, मैंगो के लिए आइसक्रीम बनेगा एक, और एक वाटरमेलन की आइसक्रीम बनेगी, और एक आइसक्रीम बनेगी जो इन सब का एक मिक्स होगा, जो कलरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइसक्रीम आपको हम बनाना सिखाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ऑरेंज का जूस निकालेंगे। ये छोटे ऑरेंजेस लिए हैं, हम इसको हाफ़ काट लेंगे दोनों ही ऑरेंजेस को। दोनों ऑरेंजेस हाफ़ काटने के बाद इसका हम जूस जो है वो निकाल लेंगे। ये मैनुअल जूसर यूज़ करके बहुत ही सिंपल है ये जूस निकालना। जैसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑरेंज को यहाँ पे हमने डाला और हल्का सा स्क्वीज़ किया, ज़्यादा पावर नहीं लगता, हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे तो ये जूस आ जाएगा। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जूस जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकल गया है। ये जो आइसक्रीम का मोल्ड है ये पहले से ही धुला हुआ है, और हम इसको कलर कोऑर्डिनेशन हम थोड़ा सा करेंगे। स्टिक्स हैं ये, आप पहले हटा दीजिए, और जिस भी मोल्ड में आप आइसक्रीम ये डालना चाहते हैं, जैसे ऑरेंज जो है मैं इस मोल्ड में डालूँगा, तो मैं इस मोल्ड में ऑरेंज को पूरा ब्रिम तक, पूरे ऊपर तक भर के एक कॉन्ट्रास्ट कलर का स्टिक लेके इसके ऊपर डाल दूँगा, और ये अच्छी तरीके से इन प्लेस आ जाता है, ये हिलेगा नहीं, और आपका जो आइसक्रीम है ये बनने के लिए रेडी है। ये एज़ इट इज़ डीप फ्रीज़र के अंदर चला जाएगा, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। नेक्स्ट जूस जो है वो अनार का निकलेगा। प्रोसेस आपका सेम है, सबसे पहले आप अनार को काटिए। अनार को स्क्वीज़ करके जूस निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, लेकिन ये जो मैनुअल जूसर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से इसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देता है। इतना जूस जो है वो बहुत होगा, और प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। आप सेम मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। एक मोल्ड की तरफ मैंने ऑरेंज डाला था, और इस साइड के मोल्ड में मैं अनार का जूस जो है वो डाल दूंगा, और इससे कॉन्ट्रास्ट खाता हुआ एक कलरफुल स्टिक इसके ऊपर डाल दूंगा। तो मुझे लगता है कि अनार के साथ ये येलो स्टिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जाएगा। तो अब हम वाटरमेलन का आइसक्रीम बनाएंगे। वाटरमेलन को बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं वाटरमेलन में काट लेता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जूस जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने एक बड़ा वाटरमेलन पीस लिया, और उसके साइज़ जो हैं वो हम कट कर लेंगे। सबसे पहले साइज़ कट करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस हम काट लेंगे। वाटरमेलन आपको इंश्योर करना है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पका होना चाहिए, तभी इसका जूस जो है वो आसानी से निकलेगा, वरना आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, और उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। कि हमने एक स्ट्रेनर लिया, उसके अंदर हमने ये सारा का सारा वाटरमेलन जो है वो डाल दिया। दो इस वाटरमेलन के बीज कम है, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में पीसने से आपके बीज के भी कॉन्टेंट आ जाते हैं, जो हमें बेबी को नहीं देना है। तो आपने स्ट्रेनर के अंदर डाला, और वाटरमेलन को इस तरीके से क्रश करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो धीरे 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 जूस इसका निकलेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो देख सकते हैं आप कि मैं अच्छी तरीके से इसको स्क्वीज़ कर करके इसका जूस निकाल रहा हूँ। जूस जो है वो निकला हुआ काफ़ी है, और इतना क्वान्टिटी ऑफ जूस इज़ मोर देन अनफ फॉर मी टू मेक दी आइसक्रीम। तो इसको हम ग्लास में ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले। तो इसको भी हम एक जो मोल्ड है उस मोल्ड के अंदर डाल लेंगे, और इस मोल्ड के अंदर जो है वो वाटरमेलन का स्पेसिफिक जूस का आइसक्रीम बनेगा, और थोड़ा सा वाटरमेलन जूस मैं अलग से रख लूँगा एक अलग तरीके की आइसक्रीम बनाने के लिए, और जो हमारा वाटरमेलन की आइसक्रीम है वो भी बनने के लिए रेडी है। तो अब हम मैंगो का बना रहे हैं, और मैंगो को हमने एक तरीके से एक तरफ से पील कर लिया है। ज़्यादा मैंगो की क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, इतना मैंगो काफ़ी है। तो एक मैंगो लीजिए, आप इंश्योर कर लीजिए मैंगो जो है वो बिल्कुल मीठा और टेस्टी होना चाहिए। और इस मैंगो के मैं छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो काट रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंगो जो है उसके हमने छोटे 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 पीसेस कर लिए हैं, और अब मैं इन पीसेस को उठाऊँगा और अपने मोल्ड के अंदर धीरे धीरे डाल दूँगा। जैसे ये वाला मोल्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस मोल्ड के अंदर मैं ये मैंगो पीसेस धीरे धीरे ऐड कर दूँगा। सारे के सारे जितने भी हमारे मैंगो के पीसेस हैं वो इस मोल्ड में मैं डाल के पूरा ऑलमोस्ट ऊपर तक भरने की कोशिश करूँगा, और मैं इसी मोल्ड के अंदर इस टाइम पे ऊपर से रॉ मिल्क जो है
ऐड कर दूंगा और थोड़ी देर वेट करूंगा ये मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से नीचे चला जाए, और उसके बाद एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टिक लेके इसको अच्छी तरीके से एक बार मैं स्टर कर लूँगा ताकि मिल्क और मैंगो जो है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। और ये मेरा मैंगो आइसक्रीम बनने के लिए भी मोल्ड रेडी है। आप इसी आइसक्रीम को मैंगो का मिल्क शेक बना के या मैंगो शेक बना के भी बना सकते हैं, बट ये मेरा एक अल्टरनेट वर्जन है क्योंकि मैंगो शेक बनाना ऑलमोस्ट सबको आता है लेकिन ये वाले आइसक्रीम ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करते हैं, तो इसमें भी ये ट्राई कर सकते हैं एक अल्टरनेट। अब जो हमारा फाइनल आइसक्रीम है, क्योंकि ये चार हमारे मोल्ड बन चुके हैं, हमारा फाइनल जो आइसक्रीम है वो है एक मिक्स फ्रूट आइसक्रीम। और इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है उसमें ऐड करिए आप जो हमने अनार का जूस निकाला था, वो मैंने सबसे नीचे वाले लेयर में ऐड कर दिया है। अब इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप इस मोल्ड को एज़ इट इज़ और ये जो लास्ट वाला मोल्ड है वो भी एज़ इट इज़ विदाउट द स्टिक फ्रिज के अंदर आप डीप फ्रीज़र में डाल दीजिए। तो बस अब आप इसको डीप फ्रीज़र में डाल दीजिए और आपको इंश्योर करना है कि ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो आइसक्रीम जो फ्रीज़ करने के टाइम पे, और अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहला लेयर जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं अपना ऑरेंज जूस ऐड कर दूंगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि अब ऑरेंज जूस भी जो है वो जम के रेडी हो गया है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके बीचों बीच एक नाइफ लेके मैं हल्का सा छेद करने की कोशिश करूँगा या एक कट मारने की कोशिश करूँगा। तो बस ये हमने किया और इसके ऊपर हमने जो अपना वाटरमेलन जूस है वो पोर कर लिया, और ये पोर करने के बाद एक स्टिक लिया और इस स्टिक को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम दोबारा से फ्रीज़र में डाल देंगे और आइसक्रीम जो आपका रेडी हो जाएगा।